हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ लेकर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं अपडेट लेकर आई हूँ आप सभी के लिए NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्ड 2024 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2019 में आया था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी ये वैकेंसी आ चुकी है। इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, जब 24 जुलाई को शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, जब ही मैंने आपसे बताया था कि इसके लिए वैकेंसी आपका 10,000 समथिंग पोस्ट के लिए आ रहा है। बट देखिए, रेलवे ने और खुशखबरी दी है कि आप जो भर्ती आई है वो भर्ती आई है 12,000 के तकरीबन सीट्स के लिए। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस साल रेलवे का जो भी वैकेंसी आया है 8,000-10,000 पे आता तो है, लेकिन बाद में बढ़ा के ना उसको सीधा दुगना कर दिया जाता है, 19,000-20,000 ऐसे बढ़ा के सीट किया जाता है। तो सीट इसका और अभी इंक्रीज होगा। तो चलिए जाने इसके बारे में फुल डिटेल्स को। सबसे पहले बता दूं कि ये होता है ग्रुप सी का पोस्ट। इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट रहते हैं जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बताऊंगी इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना, या फिर आप इसका एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो, तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया है कि सीट्स 12,000 के अप्रॉक्स है, तो देख सकते हो यहाँ पे 11,558 टोटल पोस्ट रहेंगे। इसमें जो भर्ती है 12th पास आउट एंड ग्रेजुएट्स दोनों के लिए है। तो हम चर्चा करेंगे किन किन पोस्ट के ऊपर कितना कितना सीट है, 12th के लिए कितना है, ग्रेजुएट्स के लिए कितना है, एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन। तो बार बार बता रही हूँ कि 12th एंड ग्रेजुएट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अंडर ग्रेजुएट्स यानी 12th पास आउट के लिए। अब क्वालिफिकेशन 12th पास है तो डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल रहेंगे। एंड इवन इट डजंट मैटर्स कि आपका परसेंटेज क्या है, बस पास आउट हो ना आप 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ना टोटल 4 सीट्स रहेंगे। कमर्शियल कम टिकट कलर इसके लिए 2022 यानी 2022 पोस्ट होंगे। अकाउंट्स कम टिकट कलर के लिए 361 यानी 361 पद होंगे। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 990 पोस्ट होगा, मतलब 1000 के अप्रॉक्स। ट्रेंस कलर के लिए 72 यानी 72 सीट रहेगा। अभी मैंने बताया आपको अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जो कि टोटल है 3445 यानी 3445 सीट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। एज की लिमिट इनके लिए क्या होगी, 18-33 ईयर्स, मतलब 18-33 वर्ष। रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा OBC को फॉर 3 ईयर्स एंड SC ST को 5 ईयर्स, मतलब कि जो OBC कैंडिडेट होंगे उनको 3 वर्ष का छूट मिलेगा उम्र सीमा के, कौन सा, जो आपका हायर एज लिमिट होता है 33 वर्ष उसमें। तो OBC के लिए 18-36 वर्ष रहेगा और SC ST को कितना मिलता है, 5 ईयर्स का, ठीक है, तो उनके लिए 38 यानी 38 वर्ष रहेगा। और ये था आपका अंडर ग्रेजुएट का डिटेल। अब हम लोग बात करेंगे द पोस्ट विच आर फॉर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए टोटल 5 टाइप के सीट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट आपका सीट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए है 1736 यानी कि 1800 के अप्रॉक्स सीट्स रहेंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 यानी 1507। स्टेशन मास्टर के लिए 994 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144। तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी पोस्ट की वैकेंसी आई है। फिर लास्टली है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का 732 यानी 800 के करीब इस पोस्ट के लिए रहेगा। ओवरऑल बात करें कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए क्या सीट है, तो 8113 यानी 8113 सीट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होगा।
अब बार बार ग्रेजुएशन बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपका कुछ एक प्रॉपर स्ट्रीम होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, कुछ भी परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो एज लिमिट होगी 18 to 36 years, मतलब 18 से 36 वर्ष, साथ ही साथ ना आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 years और एससीएसटी को 5 years। आई होप कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आप समझ गए होंगे। तो ये तो इसके बारे में बेसिक डिटेल मैंने बताया, अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई का डेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए ये वैकेंसी अगस्त में ही आना था, बट ड्यू टू सम रीजन इसको डिले कर दिया गया है, तो अब आपको ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए अप्लाई का डेट जो है ना 14th of September, यानी 14 सितंबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट डेट 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। और ये सारी चीजें नोटिस में बकायदा मेंशन की गई है। तो जब 14th of September से अप्लाई होगा तो आप भी जरूर अप्लाई करना अगर आप इलिजिबल होंगे तो। अप्लाई करते वक्त जो फी लगता है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 500 रुपीज लिया जाता है, वहीं पर जो एससीएसटी कैंडिडेट है या फिर एक सर्विसमैन रह चुके हैं और ऑल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए ना 250 रुपीज, यानी 250 लिया जाता है। और देखिए रेलवे का कोई सा भी होता है ना फॉर्म, उसमें जो आप पैसा पेमेंट करते हो वो टोटली रिफंडेबल होता है। तो मतलब आपको पैसा कब रिफंड किया जाता है, जैसा कि इसके पहले परीक्षा में आप बैठोगे CBT 1 में, तो उसमें आपका रिजल्ट आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है तभी आपको रिफंड मिलेगा। अगर मान लो कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और फिर एग्जाम देने नहीं गई तो मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें पास करूँ ना करूँ, कुछ समय बाद रिफंड के लिए ऑप्शन आएगा, आप बैंक डिटेल्स दोगे तो पैसा वापस आ जाएगा। कितना पैसा वापस आएगा, देखिए जो बच्चे 500 रुपया पे करेंगे उनका आपको 490 रुपया वापस आता है, और जो 250 पेमेंट करते हैं उनका 240 रुपया, मतलब 10-10 रुपया काट के आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, आपको किन किन स्टेज से यहाँ पर पास करना होगा तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए सिलेक्शन स्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 5 stages ऑफ सिलेक्शन है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द CBT 1। अब CBT 1 से तो आप साफ साफ समझ रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम जो कि स्टेज 1 होगा उसको क्वालिफाई करोगे, तब आप CBT 2 यानी स्टेज 2 के लिए जाओगे एग्जाम देने, फिर वहां पर क्लियर कर लेते हो, तब आपका स्किल टेस्ट होता है। और ये स्किल टेस्ट ना पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, तो जब एक प्रॉपर 14 तारीख को फॉर्म आ जाएगा उस समय एक नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें साफ साफ बताया जाएगा किस पोस्ट के लिए क्या है, तो उस समय आप क्लियर कर लेना, नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना, उसी अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, आपका DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। लास्टली एक बेसिक सा मेडिकल होता है जिसके बाद आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है, फिर आप ज्वाइन कर लेते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो एक सीट तो आपकी पक्की है ही। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस वे में मेहनत करना है, मतलब CBT 1 का क्या एग्जाम पैटर्न है, CBT 2 क्या रहेगा, चलिए समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम होता है फॉर 100 questions विच इज फॉर 100 marks, पर क्वेश्चन 1 mark मिलता है। CBT 1 की बात हो रही है, 90 minutes यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, सो बी अवेयर, सोच समझ के ही आंसर को आपको टिक करना है। 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो दोनों ही एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 30 questions है, मैथमेटिक्स के 30 questions है, एंड जनरल अवेयरनेस के 40 questions है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है आपका, GK GS, करेंट अफेयर्स, और साइंस का भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तैयारी अपनी अच्छी रखो, जनरल अवेयरनेस अगर वीक है तो अभी से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो ये है CBT 1, इसमें आप क्वालिफाई कर लोगे तो CBT 2 होगा। CBT 2 में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 120 marks, मतलब 120 question 120 नंबर के लिए। टाइम विल बी 90 minutes, यानी इसमें भी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3, मतलब सेम ही है,
और जैसा कि पहले बताया कि सब्जेक्ट भी सेम ही रहेगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस एंड लास्टली जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मतलब 35-35, ये हो गया 70 और इधर 50, यानी टोटल 120, ठीक है। तो ये है CBT 2। अब आप सोचोगे कि इसका एग्जाम सिटी कहाँ रहेगा। देखिए, आपका जो एग्जाम सेंटर होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो आपको अपना नियर बाय सिटी चूज करना है। जहाँ पे चूज करोगे वहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम के बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो चलिए बता देती हूँ उसमें क्या होगा। स्किल टेस्ट में सिंपली आपका टाइपिंग होगा। देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 5% मिस्टेक आपका यहाँ पर चलेगा। अगर 5% एरर है तो कोई बात नहीं है। हिंदी से आपका 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए। अगर आप इंग्लिश से देना चाहोगे टेस्ट तो 30 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। तो ये स्किल टेस्ट है। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर बेसिक सा मेडिकल होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड करी जाएगी, तब आपको सर्व करने का मिलेगा एज अ NTPC, मतलब कैंडिडेट आप वहां पर हो जाओगे। सर्विस आपकी ऑल ओवर इंडिया में रहेगी और ये बहुत अच्छे लेवल का जॉब होता है। तो जॉब अच्छी है तो सैलरी भी अच्छी मिलती होगी। आइए मैं बता देती हूँ सैलरी क्या मिलता है। देखिए, फ्रॉम स्टार्टिंग यू विल गेट 38,000, मतलब कि 35 से 40 के बीच में मिलता है। 38,000 से मानो की शुरुआत होता है और सैलरी आपके बढ़ती बढ़ती कितना हो जाता है, 1,12,000, मतलब 1,12,000 तक जाता है। अब आप सोचोगे कि अलग अलग तरह का पोस्ट है, 12th पास एंड ग्रेजुएट सबके लिए है, तो हर पोस्ट का प्रॉपर एक अलग सैलरी होता है। बट मैं मोटा मोटी तौर पे सबको मिला के बता रही हूँ, ठीक है। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो और इस साल अपनी एक सीट को आप अचीव करो। आई होप कि आपका इस साल हो जाए। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल्स बताया है वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो हेजिटेट ना करते हुए कमेंट कर दे, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरी को सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।